नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल बेस्ट ड्रीम में। आज हम लोग बात करेंगे डरहम वर्सेस लंकाशायर के बीच खेले जाने वाले इंग्लिश T20 ब्लास्ट मैच का। डरहम पिछला दोनों ही टीमें पिछले मैच हार कर आ रही है और डरहम 9 मैच में 6 जीत के साथ पॉइंट टेबल में सेकेंड नंबर पर और लंकाशायर 9 मैच में 5 जीत के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। दोनों ही टीमों के लिए अहम मैच होगी। चलिए बात करते हैं इनका पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगा। ड्रहम के ओर से आपको ओपनिंग कर देखेंगे टॉम लैथम के साथ ग्राहम क्लार्क, पॉल कॉलिंगवुड कुछ मैचों के रेस्ट के बाद वो टीम में वापस आ चुके हैं और वो आपको फर्स्ट राउंड खेलते हुए दिख सकते हैं। उनके बाद आएंगे जेम्स वेगेल, उनके विल स्मिथ को भी कुछ मैचों के बाद टीम में वापस बुला लिया गया और वो आपको थर्ड डाउन खेलते हुए दिखेंगे। उनके रैन डेविस या लियम ट्रेवेस्किस में से किसी एक को खिलाया जाएगा और रैन प्रिंगल और बी वाइथ हेड में से भी किसी एक को खिलाया जाएगा। स्टुअर्ट पॉइंटर आपके लिए विकेट कीपर होंगे, नैथन रैमिंगटन, बैरी मैकार्थी और क्रिस रशवाथ। चलिए अब देखते हैं लंकाशायर का प्लेइंग 11 किस तरह होगा। लंकाशायर की तरफ से ओपनिंग करते देखेंगे एलेक्स डेविस जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त 94 रन के पारी खेली बट अपने टीम को जीत नहीं दिला सके। उनके साथ देखेंगे कार्ल ब्राउन, उसके बाद फर्स्ट रन देखेगा एरन लिली, डेन विलास, जॉर्डन क्लार्क, स्टीवन क्रॉफ्ट, जेम्स फॉकनर और जोस वैनन इनके मेन फास्ट बॉलर होंगे और मार्क पार्टी या जहीर खान में से कोई एक खेलेगा। मुझे लगता है यहाँ पे जहीर खान का हाई चांस है। टॉवी लेस्टर और मैथ्यू पार्किंसन इनके बेस्ट स्पिनर बॉलर में से एक है। चलिए जानते हैं इनका ड्रीम इलेवन टीम कैसे बनेगा जो कि मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा। विकेट कीपर में ऑप्शन में आपको दिखेंगे डेन विलास और स्टुअर्ट पॉइंटर, ये दोनों ही आज का मैच खेलेंगे। बेस्ट ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे डेन विलास जो कि लगभग आपको 3 या 4 डाउन बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, बल्कि स्टुअर्ट पॉइंटर आपको 6 या 7 डाउन बैटिंग करेंगे जो कि बहुत ही नीचे आते हैं। इसलिए मुझे डेन विलास ही ठीक लगा, इसलिए मैं डेन विलास के साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो स्टुअर्ट पॉइंटर के साथ जा सकते हैं, आज का मैच ये कन्फर्म खेलेंगे। चलिए चलते हैं बैटिंग सेक्शन में आपके लिए लियम लिविंगस्टोन नहीं खेलेंगे, बल्कि लोगों ने इन्हें 52% लोगों ने ले रखा है, पर आप इन्हें लेने का गलती मत करें क्योंकि लियम लिविंगस्टोन नहीं खेलेंगे। टॉम लैथम आज का मैच खेलेंगे, कीटन जेनिंग्स भी आज का मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड दौरे पे वो गए हुए हैं। ग्राहम क्लार्क, एलेक्स डेविस, माइकल रिचर्डसन भी आज का मैच नहीं खेलेंगे। कार्ल ब्राउन, रैन डेविस थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, आप इन्हें ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना के रिस्क ले सकते हैं। ये नहीं खेलेंगे। लियम ट्रेवेस्किस भी थोड़ा रिस्की ऑप्शन है, इन्हें आप इग्नोर ही करें तो अच्छा रहेगा। आप इन्हीं 4 या 5 में से किसी के साथ जाइएगा, आप लियम लिविंगस्टोन को मत लीजिएगा क्योंकि ये आज का मैच नहीं खेलेंगे। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे पॉल कॉलिंगवुड, विल स्मिथ, जेम्स फॉकनर, रियन प्रेंगल थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, आप इसे ना ही ट्राई करें तो सही रहेगा, स्टीवन क्रॉफ्ट, एरन लिली, जॉर्डन क्लार्क, आप इन्हीं पांच में से किन्हीं एक को लीजिएगा। बेन स्टॉक्स नहीं खेलेंगे वो। अब आप पॉल कॉलिंगवुड पिछले कुछ मैचों के बाद टीम में आया है और इनका परसेंटेज लगभग 55 पहुँची है और अपने कैप्टन वाइस कैप्टन रख के अपने ग्रैंड लीग में अच्छा विन कर सकते हैं। अब बॉलिंग सेक्शन में आपको नैथन रिमिंगटन, मार्क वुड नहीं खेलेंगे, नैथन रिमिंगटन, इमरान ताहिर भी नहीं खेलेंगे, मार्क वुड भी नहीं खेलेंगे, जेम्स एंडरसन भी नहीं खेलेंगे, क्रिस रशवाथ आपके लिए एक ऑप्शन है, जेम्स वेगेल, बैरी मैकार्थी आपके लिए एक ऑप्शन है, ग्राहम ऑनियंस नहीं खेलेंगे, जोए मिनी नहीं खेलेंगे, ये इसमें कोई नहीं खेलेंगे। यहाँ से आपके लिए टॉवी टेस्टर एक अच्छा ऑप्शन है, मार्क वाट थोड़ा रिस्की ऑप्शन है बट आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं। इनके बाद यहाँ कोई नहीं खेलेंगे। मैथ्यू पार्किंसन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे जो कि लंकाशायर के एक मेन स्पिनर है, आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं बट मैं नैथन रैमिंगटन, जेम्स विगेल और टॉवी टेस्टर के साथ ही जाना प्रेफर करूँगा। आप चाहे तो इन पांचों में से किसी एक को ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह होगा। मैंने कैप्टन रखा है पॉल कॉलिंगवुड को जो कि लगभग आपको तीसरा डाउन आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे और वो 2 से 3 ओवर भी करा सकते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब वाइस कैप्टन मैंने रखा है एलेक्स डेविस को, एलेक्स डेविस पिछले मैच में 94 रन की पारी खेला था और मुझे लगता है कि इस मैच में भी वो अच्छा करेंगे, इसलिए मैं एलेक्स डेविस के साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो
आप इन किसी और के साथ जा सकते हैं, आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। प्रीव्यू आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट होंगे टॉम लैथम, ग्राम क्लार्क, कार्ल ब्राउन। कार्ल ब्राउन को ग्रैंड लीग में आप कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर रखिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक मस्ट पिक होंगे। एरन लिली को भी आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। जॉर्डन क्लार्क को भी, क्योंकि एरन लिली फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हैं, लगभग 2 से 3 ओवर करा देते हैं। पॉल कॉलिंगवुड आपके लिए सबसे बेस्ट पिक होंगे कैप्टन के लिए और एलेक्स डेविस वाइस कैप्टन के लिए। आप चाहे तो कैप्टन पॉल कॉलिंगवुड और वाइस कैप्टन टॉम लैथम रख सकते हैं, बट मैं कैप्टन पॉल कॉलिंगवुड और वाइस कैप्टन एलेक्स डेविस के साथ जा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।